नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोस। दोस्तों आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं बोया BY-M1 माइक का, जो कि बजट में काफ़ी अच्छा माइक मिल जाता है लोगों को। स्टार्टिंग में कैसा यूट्यूबर होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि वो कौन सा माइक खरीदे। और दोस्तों आप सभी को तो पता है कि आपको अपने वीडियो को इंगेजिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने ऑडियो क्वालिटी को बहुत अच्छा रखना पड़ता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डल भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपके ऑडियंस को आपका आवाज़ अच्छे से सुनाई देना चाहिए। अगर आपका आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देगा, वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, तो वो आपके वीडियोस को वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। तो आज मैं आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, इनफैक्ट आपको इसका साउंड टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा कि इसका साउंड कैसा आता है। और अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, अभी जिससे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, वो भी बोया BY-M1 माइक के थ्रू ही मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये एक एक्स्ट्रा माइक मैंने मंगवाया है अपने दोस्त के लिए, उनका नया चैनल स्टार्ट हुआ है तो उनके लिए मैंने ये माइक मंगाया है बोया BY-M1 माइक का। और सो प्राइस की बात करूँ तो ये 700-800 में बहुत ही अच्छा माइक आता है। 700-800 में आपको अमेजन पर ये मिल जाएगा। और अगर आप ये माइक लेना चाहते हैं तो इस माइक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अगर जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा ये माइक खरीदने पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बस पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलिए मैं इसे अनबॉक्स करके दिखाता हूं कि इसके अंदर में क्या क्या मिलता है और इसे कैसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसे अनबॉक्स करूंगा, सबसे पहले डब्बे को ओपन करता हूं। और डब्बा को जैसे ही ओपन करूंगा तो यहां पर देखिए आपको एक पाउच मिल जाता है इस तरह से। और यहां पे देखिए बोया लिखा हुआ है, अगर ये बोया लिखा हुआ है इट मींस ये रियल जेन्युइन माइक है। इसके बाद अगर आप ये पाउच को ओपन करेंगे तो पाउच को ओपन करने के बाद ये माइक इस तरह से आता है। देखिए अभी ये बिल्कुल सील्ड है। और इसके बाद आप इसका सील को ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको ओपन कर दिखाता हूँ। और बात करते हैं इसके तार का, जो वायर का जो लेंथ है इसके बारे में, तो इसके साथ आपको जो वायर है इसका लेंथ आपको 20 फीट का मिल जाता है, जो कि आप अपने कमरे में या फिर कोई हॉल में, बड़े से हॉल में बैठ करके वीडियो बनाते हैं तो भी आप अपने माइक को अच्छे से यूज़ कर सकें, क्योंकि इसका तार काफ़ी लंबा होता है। और यहाँ पर देखिए एक कनेक्टर यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप दोस्तों गौर से देखेंगे तो एक तरफ अगर आप इस पिन को ऊपर की तरफ करते हैं तो आप कैमरा में इस माइक को यूज़ कर पाएंगे, और इस पिन को अगर आप नीचे की तरफ कर देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। और आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तब इसे ऑफ रखना ही है, या फिर स्मार्टफोन यहाँ लिखा हुआ है आप इस मोड में इसे कर सकते हैं। और वहीं पर बात करूँ अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ, यहाँ पर एक बैटरी लगता है, बैटरी मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, हालांकि पहले मुझे नहीं लगाना चाहिए था। यहाँ पर देखिए एक बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी आपको इस बॉक्स के साथ फ्री मिल जाता है। और इसे मैं वापस से टाइट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो आपको बैटरी लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है मोबाइल के लिए, आपको ये क्योंकि ऑफ में रखना है ये वाला नॉब को आपको। और वहीं आप अगर DSLR से शूट करते हैं तब आपको बैटरी लगाना पड़ेगा, और इस नॉब को यहाँ पे ऊपर की तरफ कर देना है, कैमरा वाला जहाँ लिखा हुआ है उस तरफ कर देना है, ताकि ऊपर करेंगे तो आप अपना DSLR से जो भी वॉइस रिकॉर्ड करेंगे वो आपका माइक से रिकॉर्ड हो जाए। अब बात करते हैं माइक के बारे में, यहाँ पे देखिए तार फोल्ड किया हुआ है, आप इसे खोलेंगे तो और तार लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसे खोल देता हूँ फिलहाल। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये माइक कैसे काम करेगा। उससे पहले यहाँ पे देखिए आपको इसके साथ एक पिन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप कॉलर में खपा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खपाया हुआ है। तो इस पिन को आपको यहाँ पे देखिए बहुत आराम से ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको ऐसे खपा देना है, आपका आवाज़ करेगा, मतलब कि ये पिन काफ़ी अच्छे से खप चुका है। और इसके साथ मिल जाता है एक स्पंज, जो कि मैंने पैकेट से पहले बाहर निकाल दिया था। तो स्पंज जो मिलता है, ये जो फॉर्म मिलता है, इसे आपको माइक के ऊपर में लगा देना है, और माइक को ऊपर में इस तरह से लगाना है। और इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आप जो भी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं वो आपका आवाज़ को फिल्टर कर देता है, अगर आपका कोई नॉइज़ आ रहा है तो नॉइज़ को वो फिल्टर करता है और अच्छे से आपका आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। अब चलिए इसके टेस्टिंग की बात करते हैं, टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ कि अभी ये इसका जो आवाज़ आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सबसे पहले मैं अभी जो बोया का माइक यूज कर रहा हूं इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और इसके बाद बिना माइक का मैं आपको साउंड सुनाता हूं कि बिना माइक का आवाज कैसे आएगा। और इसके बाद मैं इस माइक को अपने मोबाइल से कनेक्ट करूंगा, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो को, तो इस माइक को मैं मोबाइल से वापस कनेक्ट करूंगा, और इसके बाद मैं सुनाऊंगा कि बिना माइक का साउंड और इस माइक को लगाने के बाद, बोया BY-M1 माइक को लगाने के बाद साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो दोस्तों अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो बिना माइक का सुनाई दे रहा है। मेरे मोबाइल में जो इंटरनल माइक होता है, मोबाइल में मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो मोबाइल में जो इंटरनल माइक है उसी के थ्रू अभी आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, और आप आवाज़ सुन सकते हैं कितना खराब आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। और अब मैं बोया BY-M1 माइक को अपने मोबाइल से कनेक्ट करूंगा, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा आवाज़ कैसा सुनाई देता है।
तो दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया BY-M1 माइक के थ्रू, जो मेरा माइक हाथ में है, इस माइक के थ्रू आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है। और इससे पहले जब मैंने माइक को अनप्लग कर दिया था तब मेरे मोबाइल के इंटरनल माइक से आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा था, और उस आवाज़ में और अभी माइक लगाने के बाद जो आवाज़ है, इस आवाज़ में काफ़ी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। तो ये अंतर दोस्तों आपका बोया BY-M1 माइक लगाने के बाद आपका साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और नॉइज़ को वो क्लियर करता है। हालाँकि मेरे रूम में थोड़ा सा इको है, रीज़न ये है कि ये जो घर है ये थोड़ा नया घर है और मेरा रूम बिल्कुल खाली है, इस वजह से नॉइज़ मेरे रूम में थोड़ा सा ज़्यादा है। कुछ दिन के बाद मैं यहाँ सामान शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पर नॉइज़ का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। लेकिन बात करें इस माइक का, तो माइक का जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा है, एकदम क्लियर आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा और कोई भी नॉइज़ यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा होगा। हालाँकि बाहर में कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि उनका आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा माइक है ये, बजट में 700-750 में ये अच्छा सा माइक आ जाता है। और बड़े बड़े क्रिएटर्स अभी भी, बहुत सारे सब्सक्राइबर होने के बाद, मिलियंस में सब्सक्राइबर होने के बाद भी कैसे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर इस माइक को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये माइक काफ़ी सस्ता भी है। और सबसे अच्छा बात है कि सस्ता होने के बावजूद भी इसका साउंड क्वालिटी टू बेस्ट है, बहुत ही अच्छा साउंड है। इसीलिए बड़े बड़े यूट्यूबर अभी भी, इतने पैसे उनके पास है उसके बावजूद भी, ये सस्ता वाला माइक यूज़ करते हैं और अपने अच्छे साउंड क्वालिटी को अपने वीडियो में ऐड करते हैं। तो अगर आप भी इस माइक को लेना चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके अमेजन से इसे खरीद सकते हैं। अगर आप उस लिंक के थ्रू इस माइक को परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप वहाँ से इस माइक को परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ कि आपके वीडियो के लिए साउंड क्वालिटी का होना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आप एक माइक, कोई सा भी माइक, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी माइक को यूज़ करें, लेकिन कोई सा भी माइक को जरूर से यूज़ करें। वहीं आप बजट में चाहें तो बजट में आपको ये माइक काफ़ी अच्छा मिल जाता है, इससे कम प्राइस में आपको कोई भी माइक नहीं मिलने वाला है अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ में। सस्ता में तो आपको 100 रुपये में माइक मिल जाता है, लेकिन आपका अच्छा साउंड क्वालिटी के साथ में, इतना लंबा तार के साथ में और इतना ज़्यादा फंक्शन के साथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस माइक को मोबाइल और DSLR दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में ये बहुत ही अच्छा, एकदम क्या बोलूँ इस माइक के बारे में, बहुत ही अच्छा और चीप एंड बेस्ट माइक में कह सकता हूँ। तो इस माइक को आप परचेज ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये माइक का साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसी तरह के वीडियोज़ को वॉच कर सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।